हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डबल पोल एमसीबी के साथ टाइमर स्विच की कनेक्शन के साथ प्रोग्रामिंग सेटिंग कैसे करते हैं। अगर कहीं पे आपको आउटडोर लाइट है, डेली शाम को चालू करना है और मॉर्निंग में बंद कर देना है, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं, यहाँ पे आउटडोर में लगभग 20 लाइट है और एक लाइट 50 वाट का है, तो 1000 वाट का लोड है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हम डबल पोल की एमसीबी लगा रहे हैं और साथ में यहाँ पे टाइम टेबल के अनुसार चालू हो बंद हो इसके लिए यहाँ पे टाइमर स्विच लगा रहे हैं। तो इसकी प्रोग्रामिंग सेटिंग भी हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, कनेक्शन भी करेंगे, A to Z कंप्लीट आपको दिखाने वाले हैं कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा एक MCB बॉक्स है 4-way, इसके अंदर 4 वायर है, 2 वायर इनपुट है फेज न्यूट्रल और 2 वायर आउटपुट लोड के लिए है। यहाँ पे 6 एम्पीयर की MCB लिए हैं डबल पोल का और यहाँ पे इसके अंदर हम लगाएंगे। अब सिंपल है, इसके अंदर हम कनेक्शन करेंगे। ये इनपुट लाइन है हमारा राइट साइड और ये आउटपुट है लेफ्ट साइड, जो वायर आ रहा है लोड लेफ्ट साइड है। तो सबसे पहले इनपुट लाइन का हम कनेक्शन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले वायर स्ट्रिपर लेंगे, वायर को अच्छी तरह से छीलेंगे या कह सकते हैं PVC रिमूव करेंगे और यहाँ पे MCB में यहाँ न्यूट्रल लाइन डाल रहे हैं, ये हो गया कनेक्शन न्यूट्रल। इसी तरह से यहाँ पे फेज वायर को यहाँ पे डालेंगे और ये कनेक्शन हो गया इनपुट MCB के अंदर। अब यहाँ पे आउटपुट कनेक्शन करने के लिए 2 वायर लिए हैं, आपस में छील करके जोड़ेंगे और यहाँ पे जहाँ फेज आउटपुट हो रहा है, ध्यान रहे नीचे जिस साइड किए हैं वहीं साइड से हमारा फेज आउटपुट होगा, कनेक्शन कर लेंगे। सेम इसी तरह से अब यहाँ पे आउटपुट वाला न्यूट्रल वायर जो है इसको इस तरह से मोड़ते हैं, कटिंग करते हैं और यहाँ पे भी न्यूट्रल के साथ 2 वायर बना लेंगे। एक तो आउटपुट डायरेक्ट कनेक्शन हो गया न्यूट्रल लोड के थ्रू और एक वायर यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर टाइमर स्विच लेंगे और कनेक्शन करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वायर स्ट्रिपर लेते हैं और इस वायर को यहाँ पे कट करके इसका जो PVC है उसको छील देते हैं, यानी वायर को यहाँ पे छील लेते हैं, यानी कनेक्शन इसके अंदर करना है इसलिए वायर को छीलना ज़रूरी है। अब यहाँ पे टाइमर स्विच लेंगे। तो सबसे पहले हमें टाइमर स्विच के अंदर टाइम टेबल हमें सेट करना है कि ये चालू हो बंद हो, और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं चलिए उसे सीखते हैं, या ये कह सकते हैं टाइमर स्विच की सेटिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमें सेट करना है टाइम, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइमर स्विच की जो सेटिंग वाला ऑप्शन है उसको लाते हैं पास में। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ बटन को आप समझ लीजिए। एक इंडिकेटर है, जब ऑन होता है उस समय ये जलता है, यानी टाइम जो आप सेट किए उसी समय जब ऑन हो जाएगा तब ये जलेगा, इंडिकेटर हो गया। उसके बाद ये P प्रोग्रामिंग के लिए है, D यानी दिन सेट करने के लिए है, H यानी आवर्स यानी कितना बज के कितना मिनट के लिए ये है। उसके बाद ये क्लॉक यानी जो आपका घड़ी है उसको सेटिंग करेंगे कि टाइम टेबल अनुसार प्रॉपर काम करे। उसके बाद यहाँ पे एक रिसेट बटन है, इसके अंदर कोई भी सेटिंग है आप उसे डिलीट कर सकते हैं एक बटन को क्लिक करके। उसके बाद ये मैनुअल ऑटो डायरेक्ट ऑन करने के लिए है, ऑन ऑफ के लिए। तो इन सबको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या टाइम है क्या डे है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले एक छोटा सा पिन कोई लेंगे, हम यहाँ पे इसे दबाते हैं और इसे प्रेस कर देंगे एक बार। यहाँ पे टोटल टाइम टेबल जो भी सेटिंग थे इसके अंदर सब डिलीट हो गए। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले क्लॉक वाला बटन हमें दबाना है, जैसे इसे हम दबा दिए और यहाँ पे दबा कर रखना है। उसके बाद दिन सेलेक्ट करना है कि अभी आपका दिन कौन सा है, टाइम कौन सा है, अभी जो आपका रियल किसी घड़ी में है वो सेट करना होता है। तो दिन जो है हम यहाँ पे फ्राइडे लाएंगे, ऊपर वाला जो है ना ये आप इसे प्रेस करेंगे तो दिन चेंज होगा। तो आप सेट कर लीजिए, आपका फ्राइडे हमारा है तो फ्राइडे सेट कर लेंगे, आप किसी दिन और कर रहे हैं तो वो कीजिए। अब इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ही आपको मिनट और आवर्स सेट करना है तो फिर इसे हमें दबा कर ही रखना होगा घड़ी वाले बटन को। और आवर्स यहाँ पे हमारा 11 बज रहा है तो 11 बजे लेकर आएंगे, ये हो गया 11। अब शाम का रात का 11 है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे 12 के बाद 13 हो जाएगा, यानी दोपहर का 1:13, 2:14, इसी तरह से 24 आवर्स के हिसाब से बना है। अगर शाम का है तो शाम का कीजिए, सुबह का है तो सुबह का कीजिए, जैसे ये 22 हो गया तो 10 हो जाएगा, इस तरह से ये 24 आवर्स है। तो उस बात को ध्यान रखिए कि सुबह और शाम का किस हिसाब से आपको सेट करना है। हम यहाँ पे 11 लेके आते हैं, मिनट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा हो रहा है 18 मिनट, तो 18 लेके आते हैं, आपका जितना मिनट है उतना कीजिए 18। अब इसे छोड़ दिए,
अब ये टाइम हो गया, हमेशा बताता रहेगा, एक घड़ी हो गया कि कितना बज के कितना मिनट हो रहा है। अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना है, सेट करना है, तो पी वाले बटन को एक बार हम दबाते हैं। यहाँ पे दबा दिए, अब यहाँ पे लिख के आ रहा है वन और ऑन, यानी पहला टाइम आप सेट कीजिए कितना बजे हमें ऑन करना है इसे, जो आप कमांड देना चाहते हैं। तो डे वाले पे सबसे पहले आएंगे, अब डे पे करते हैं, टोटल डे आ गया ऊपर सेलेक्ट, देख रहे हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई डे है कम करना है तो फिर से हम दबाते हैं, तो एक दिन यहाँ पे कम हो गया। इसी तरह से एक बार और दबाते हैं, ये डे कम हो गया। जो आपको शो करेगा ना उसी दिन को ये काम करेगा, जो हाइड हो गया यानी हट गया उस दिन को नहीं काम करेगा। इस हिसाब से इसे दबाइए और कौन सा ये दो डे का हो गया, बाकी दिन को नहीं काम करेगा। इसी तरह से आप किस दिन को करना चाहते हैं उस हिसाब से इसे प्रेस कीजिए और दिन आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन हमारा आउटडोर लाइट है, पर डे चालू होगा, पर डे बंद होगा, शाम को चालू होगा, सुबह बंद रहेगा, तो इस हिसाब से हमको टोटल वाले डे को लेके आ जाना है। इसे जब दबाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो टोटल डे को हम ला दिए, उसके बाद आवर्स वाले बटन को हम यहाँ पे दबाएंगे। अब एक दो कितना बजे आप चाहते हैं, तो हम शाम को 6 बजे, आजकल अंधेरा हो जा रहा है तो हम 6 बजे चाहते हैं चालू हो जाए, तो 12:06:18 बजे हमको लेकर के जाना है। ठीक है, 18 हो गया। अब मिनट आपको चाहिए तो मिनट सेट कीजिए, नहीं चाहिए तो नहीं कीजिए, लेकिन हम यहाँ पे कुछ मिनट कर ही देते हैं, 5 मिनट चलिए कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। हो गया, ओके। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग वाला बटन हम दबाएंगे, दबा दिए। अब कह रहा है एक तो आपने चालू करने का टाइम बता दिया, ऑफ़ करने का टाइम हमें बताइए, वो सेट कीजिए। तो डे आप करेंगे तो टोटल डे को ही हमें सुबह में बंद कर देना है। अब उसके बाद आवर्स, तो सुबह 5 बजे के बाद हमारा जो अंधेरा है ख़त्म हो जाता है, तो हम यहाँ लेके आते हैं। देखिए इसे हमने ज़्यादा दबा दिया, तो फिर आगे चलेंगे लेकर आएंगे पहले ऐसे। अब 5 हम लेके आते हैं, 5, उसके बाद इसको हम 30 करते हैं, यानी 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 यहाँ पे हमारा आ जाएगा इस तरह से, ओके। उसके बाद फिर इसे हम दबाएंगे तो आप कहेगा दूसरा टाइम आप सेट कीजिए, अगर आपको करना है तो इसे सेट कीजिए। डे मिनट आवर्स सब आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ आपको बता दे, फिर जैसे इसे प्रेस करेंगे ना तो ऑफ़ करने का टाइम बोलेगा, इसी तरह से अगर प्रेस करेंगे तो 20 टाइम्स, यानी 20 टाइम को आप ऑन ऑफ सेटिंग एक ही टाइमर के अंदर कर सकते हैं, जिसका आप कनेक्शन किए हैं आउटडोर लाइट के जगह कहीं और भी लगाए हैं, तो 20 प्रकार से उसे चालू बंद टाइम टेबल करा सकते हैं, यानी 20 टाइम आप ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये हो गया। अगर मानते हैं कहीं आप प्रोग्रामिंग में हैं, जैसे आपने प्रोग्रामिंग एक ये दबाया है, ये टाइम को सेट कर लिया है, आगे गए हैं, अब ये टोटल तो हम 20 बार नहीं दबाएंगे, आपको बाहर आना है, तो ये क्लॉक वाला बटन को दबा देंगे, आप बाहर आ जाएंगे, यानी आपका टाइम वाला स्टार्ट हो जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको। ये हो गया। अब इसके बाद टाइम तो हमने एक सेट कर दिया, आप 2-3 जितना करना चाहे उतना कर लीजिए। अब इसे आप समझिए, अभी आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये ऑटो है, ये मैनुअल वाले बटन पे हम दबाते हैं एक बार, ऑटो यानी जो टाइम टेबल आप सेट किए हैं उसके हिसाब से चालू बंद होगा ऑटोमेटिक। अब इसे एक बार और दबाते हैं, ये हो गया ऑन, जो भी आप कनेक्शन किए हैं वो ऑन हो जाएगा। इसके अंदर इंडिकेटर बहुत से लोग बोलेंगे नहीं चल रहा है, जब तक इसके अंदर पावर नहीं देंगे तब ये काम नहीं करेगा या इसका रिले भी काम नहीं करेगा, इसलिए। उसके बाद इसे फिर हम दबाते हैं इस तरह से ऑटो, यानी ऑटो आप कर सकते हैं, यानी जो टाइम टेबल आप सेट किए हैं उसके हिसाब से ये चालू हो जाएगा। और इसे जब दबाएंगे यहाँ तो ये हो गया ऑफ, यानी कोई भी टाइम टेबल आप सेट किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ये उसको लाइन देगा ही नहीं, टाइम टेबल बंद हो गया, टाइमर स्विच का काम कनेक्शन ऑफ कर दिया, वहाँ लाइन नहीं देगा। इसे फिर हम दबाते हैं, ऑटो में रखते हैं, आप चाहें तो ऑटो मैनुअल कर सकते हैं, ज़रूरत अनुसार कभी रहता है कि ऑफ करके छोड़ दिए, हमें वहाँ पे कुछ दिनों तक लाइट नहीं जलाना है, या ऑन कर दिए कि रिसेंटली हमें चेक करना है उस टाइम के लिए होता है, ऑटो कर दिए यानी वो प्रॉपर अपना ऑटोमेटिक काम करेगा। तो ये सेटिंग हो गया, इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। अब चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। अब चलिए यहाँ पे इसके अंदर कनेक्शन करते हैं सिंपल। सबसे पहले ऊपर न्यूट्रल फेज यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे ताकि रिले प्रॉपर तरह से काम करे उसके कमांड के लिए। और यहाँ पे इसके अंदर किस तरह से कनेक्शन हुआ है, या ये जो टाइमर स्विच का प्रोग्रामिंग सिस्टम है, इसका एक PDF फाइल भी हमने बनाया है डायग्राम के साथ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट साइड फेज लाइन इनपुट दे रहे हैं हम,
और यह लेफ्ट साइड से आउटपुट हो जाएगा। आप बीच से आउटपुट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो इंडिकेटर के लिए होता है, कमान के लिए किसी पैनल के अंदर कनेक्ट किया जाता है, या इंडिकेटर आपको चाहिए कि पावर बंद हो गया है उस जगह के लिए होता है। तो हमें तो यहाँ पे ऑन ऑफ कंट्रोल करना है, इसलिए साइड में कनेक्शन होगा, बीच वाला पॉइंट खाली रहेगा। और इस तरह से इस टाइमर स्विच का इस DPMCB के साथ कनेक्शन हुआ आउटडोर लाइट का। और यहाँ पे ध्यान रहे कि 6 एम्पीयर का हमारा लोड है, 16 एम्पीयर का टाइमर स्विच है, इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है। अगर हेवी लोड है तो वहाँ पे इस तरह से कनेक्शन नहीं होगा। अगर हेवी लोड के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं किसी भी MCB बॉक्स में, अगर इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप कॉमेंट कीजिए, इसका वीडियो हम बना देंगे।